चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ आपके सामने 20 मिनट बात करूंगा। कितनी देर? 20, क्योंकि जब प्रोग्राम तय हुआ था उसमें यही तय हुआ है कि 20 मिनट बात होगी, और मेरा जो कलाम है उसके जो मुखातब हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि इस मजलिस में बड़े भी बैठे हुए हैं। अगर मैं बचकाना बातें करना शुरू कर दूं तो बड़ों को हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हमसे ये किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्योंकि मेरा जो मुखातब है वो कौन है? बच्चे हैं। तो बच्चों में तो बच्चों जैसी बातें करनी पड़ती है ना, क्या ख्याल? ये जो छिटांकी बैठे हैं ना, छोटे छोटे से, नहीं इतने से जो बैठे हैं, इनसे बात करूँगा मैं। और जो मेरे बयान का जो मैं बातचीत करूंगा आपके सामने, उसका उन्वान क्या है? हम जिंदा कौम हैं। ये पहले फेसबुक पे चलाया है, तो सबसे पहले तो बच्चे जो है अपने मुंह पे हाथ रख के सांस चेक करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब करें शाबाश, सांस आ रहा है, तो ये इसकी अलामत है कि हम जिंदा कौम, क्या ख्याल है? क्योंकि सांस मुर्दों को आता है। एक बच्चा मेरे पास, बच्चा भी मेरा ही था छोटा, वो मुझे आया कहने लगा, अब्बू आज मैंने मरे हुए अंकल देखे हैं। वो किसी की मैयत देख के आ रहा था, उसे क्या पता बेचारे को मैयत क्या होती है। तो मुझे आगे बता रहा है कि अब्बू आज मैंने मरे हुए अंकल देखे हैं। मैंने कहा बेटा अंकल मरे हुए नहीं होते, जो मर गए तो वो अंकल नहीं रहे, वो मैयत। सब माशाल्लाह सांस आ रहा है ना, तो जिंदा है। तो ये जो हमने कहा ना हम जिंदा कौम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सांस आ रहा है। ये तो इंडिया वालों को भी आता है, जापान वालों को भी आता है, बल्कि हमें तो कम आता है, उनको ज्यादा आता है। तो ये जो हम कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, मतलब ये है कि हम एक ऐसी कौम हैं कि जिसके वजूद का दुनिया को पता चलता है कि ये भी कोई कौम है जो अपना वजूद मनवाती है। अगर किसी महफिल में कोई मरे हुए अंकल हो तो पता चलेगा, क्योंकि वो ना बोलेंगे ना चलेंगे ना बात करेंगे, वो तो पड़े हुए, सही है ना। जिंदा आदमी की मौजूदगी का पता चलता है कि ये जिंदा है, ये मौजूद है, वो बोलता है, उसे छींक भी आ सकती है, उसे किसी चीज का तकाजा भी हो सकता है। तो जब हम कहते हैं ना कि हम जिंदा कौम हैं, हमसे मुराद पाकिस्तानी, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि दुनिया हमारे वजूद को मानती है, मानती है कि पाकिस्तान भी दुनिया में कोई मुल्क है। बात आ रही है समझ में? है भाई, दुनिया मानती है। दुनिया के बहुत से ममालिक, बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं किसी होंगी, क्योंकि उनमें कोई अलग से खसूसियात ही नहीं। हमारी कुछ तो नेगेटिव बातें भी हैं, ये भी एक हकीकत है, लेकिन बहुत सारी हम में पॉजिटिव मुस्बत बातें भी हैं जो बाकी दुनिया की किसी कौम में नहीं मिलेंगी आपको। हम जिस रियासत में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क, ये देखो किसी भी मुल्क में जो है ना दो चीजें होती हैं, एक तो वो मुल्क होता है और एक उस मुल्क के हुक्मरान होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? थोड़े बड़े वाले बच्चे कहाँ हैं? ये तो बहुत ही छोटे हैं ना, इनकी तो समझ में नहीं आएगा बेचारों। टीन एजेस जो कहा गया था, टीन एजेस आएंगे, तो ये तो टीन से कम लग रहे हैं मुझे। टीन टीन वाले भी थोड़े से इधर को आ जाए ना, ये बच्चा बैठा हुआ है, या तो बुजुर्गाने दीन है या बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, दरमियान का तबका ही नहीं चाहिए। सही है, सही है। तो देखो, हम जो जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है ना, जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है, उसमें मुल्क में दो चीजें होती हैं जो मुल्क को चलाने वाली। एक तो मुल्क का अपना वजूद, वो खुद क्या दे रहा है अवाम को, और एक होता है मुल्क के हुक्मरान। तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करती। क्यों? इसलिए कि वो अपने हुक्मरानों को देखती है, रियासत को नहीं देखती, स्टेट को नहीं देखती। हुक्मरान
अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, दयानतदार भी होते हैं करप्ट भी होते हैं, हुक्मरान तो बदलते रहते हैं ना, रियासत नहीं बदलती, मुल्क नहीं बदलता। तो हमें अपने मुल्क से अगर मोहब्बत करनी है तो हमें यह देखना है कि हमें हमारा मुल्क क्या दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारा मुल्क इतना कुछ दे रहा है कि दुनिया में किसी का मुल्क किसी को शायद इतना ना देता हो। सारी चीजें हमारा मुल्क हमें देता है। हम अगर फलों की बात करते हैं, फल खाते हैं ना, तो हमें दुनिया का कोई फल नहीं है जो ठेलों पे नजर ना आता हो। ये हमें कहां से मिल रहा है ये सारे फल? ये हमारी जमीन हमें निकाल के दे रही है। केला भी मिलेगा, खरबूजा भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, तरबूज भी मिलेगा, नाशपाती भी मिलेगी, अखरोट भी मिलेगा, बादाम भी मिलेगा, पिस्ता भी मिलेगा। अगर फलों को गिनना शुरू कर दूं मेरे 20 मिनट इसी में पूरे हो जाएंगे, मगर फलों की तादाद खत्म नहीं। ये कौन दे रहा है हमें? अल्लाह दे रहे हैं, असल तो अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन जरिया किसको बना रहे हैं? हमारे मुल्क की जमीन को। समझ में आ रही है बात? तो जाहिर है जब हम इतनी सारी चीजें खाएंगे, जो कौम इतने सारे फल खाएगी वो मरी भी होगी या जिंदा होगी? जिंदा इस हवाले से होगी कि उसकी सेहत भी अच्छी होगी और उसमें दिमागी सलाहियतें भी अच्छी होंगी। दूसरी चीज, इंसान क्या खाता है? या तो फल खाता है या सब्जी खाता है। और तीसरी चीज क्या खाता है, जरा आप लोग भी बताएं? गुटखा, पान, बताओ भाई। तीसरी चीज क्या खाई जाती है? गोश्त खाया जाता है ना, गोश्त। सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है भाई? गोश्त। गोश्त में चार किस्म के जानवर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, जिनके गोश्त को मरगूब समझा जाता है, खाएं ना खाएं लेकिन अच्छा समझते हैं। ऊंट का गोश्त, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और दुम्बे का। ये चारों हमारे यहां इतने ज्यादा पाए जाते हैं। बकरीद में आप देख लो कितना माल कटता है, उसके बावजूद पूरे साल कसाईयों की दुकानों पे लटका हुआ नजर आता है यार। इतना लटका हुआ नजर आता है, आदमी सोचता है कि कटावा कहां गया, काटा किसको था अगर इतना लटकाने के लिए भी था। और इनमें ज्यादातर माल जो जानवर पैदा होता है वो हमारे ही अपने मुल्क में पैदा होता है। और हमारे मुल्क का जो जानवर है ना, जानवर, वो उसका गोश्त सबसे लजीज होता है। यकीन ना आए तो आप बाहर मुल्कों में जाके उनका फॉर्मिंग का गोश्त होता है, देखने में बड़े बड़े, उनकी बछिया, उनके बैल बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मगर उनका जायका ऐसे होता है जैसे फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी। देसी मुर्गी कितनी मजे की होती है, फार्मी में वो जायका नहीं होता। तो वो गोश्त हम खाते हैं। तो सोच लो कि जिस कौम का मुल्क, ये जो इतना बेहतरीन जानवर क्यों पैदा होता है हमारे मुल्क में, क्या ये आसमान से गिरते हैं? बताओ भाई, ये भी इसी मिट्टी से बनी हुई चीजों को इन्होंने खाया इन जानवरों में। इसलिए बैल देखो, वो चांद बैल देखा है आप लोगों ने, सिब्बी का इतना ऊंचा, वो चांद बैल जो इतना ऊंचा और इतना ताकतवर होता है वो यहां की मिट्टी की चीजें खा के ही होता है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने हमारे मुल्क की मिट्टी में खास बरकत रखी है। जिन जिन की समझ में नहीं आ रहा वो चले जाएं, जिन जिन की समझ में आ रहा है वो बैठे रहें। तो ये बरकत किस में रखी है अल्लाह ने? मिट्टी में, मिट्टी में। तो आप सोचो कि जो कौम इन जानवरों को खाती होगी उसके अंदर भी तो ये आसार आएंगे कि नहीं आएंगे? फार्मी मुर्गी जो खाता है, तो जो गोश्त हम खाते हैं ना वही गोश्त के आसार हमारे जिस्म में आते हैं। फार्मी मुर्गी खाओगे तो मुर्गी की तरह मोटे तो हो जाओगे, मगर एक जगह सुस्त पड़े रहोगे आप। देसी खाओगे तो ऐसे मोटे नहीं होगे, मगर होगे चुस्त, भागते दौड़ते नजर आओगे आप। हम जब दारुल इफ्ता वल इरशाद में थे तो बरतानिया से एक गोरा जो मुसलमान थे वो आए, माशाल्लाह उनका बड़ा ऊंचा कद, चौड़ा सीना उनका,
बड़े लहीम शहीम। मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी, मैंने उनसे कहा माशाल्लाह आपकी अल्लाह ने सेहत बहुत दी है। तो उन्होंने हमारे जामिया में एक चौकीदार थे, गार्ड भी थे, वो बॉडीगार्ड भी थे, पठान थे वो, उनको बुलाया। वो पठान जो थे ना तो इनकी तरह लंबे, ना इनकी तरह चौड़े, ना इनकी तरह मोटे। मुझे कहा कि तुम्हारा ये पठान जो है ना, ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो भाई, आप की तो माशाल्लाह रान 6 किलो की है, चांपों का तो अल्लाह ही बेहतर जानता हो, इतनी बेतकल्लुफी से तो बात तो नहीं की, तो मैं आपसे कर रहा हूँ। यानी बताने को उनकी मैं आपकी तो पिंडलियाँ इतनी चौड़ी मोटी मोटी, कद देखो, हड्डियाँ देखो, तो आप कैसे कमज़ोर और वो कैसे ताकतवर, वो तो छोटा सा है मुख्तसर सा। उसने कहा कुश्ती करा के देख लो, ये मुझे पटक देगा, मैं इसको नहीं पटक सकता। मैंने कहा अजीब बात है। फिर उसने मुझे बुलाया करीब, उस पठान चौकीदार को भी बुलाया, फिर उसने अपनी पिंडली जो है ना ऐसे दिखाई और कहा इस पे हाथ लगाओ, यहाँ पे पिंडली के गोश्त पे हाथ। मैंने गोश्त पे हाथ लगाया तो ऐसे मक्खन की तरह नरम नरम सा गोश्त, और कहा इस पठान के जरा लगाओ हाथ। पठान के लगाया, करंट लगा बहुत जोर से, ठीक है, ऐसा था कि पत्थर। उसने कहा ये जिस्म बना है कुदरती गिजाएं खा के, और मेरा जो जिस्म, मेरी जो ग्रोथ हुई है वो फीड, जैसे जानवरों को फीड खिलाई जाती है ना, उसने कहा हमारी जितनी भी खुराकें हैं उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है या उनमें कुछ आर्टिफिशियल विटामिन्स मिलाए जाते हैं, उससे ग्रोथ होती है, मस्नूई ग्रोथ होती है। इसने देसी घी पिया है इसने, और देसी गंदम खाया है इसने, हमने आर्टिफिशियल चीज़ें खाई हैं। ये फ़र्क है, देखने में बहुत कुछ, अंदर से खाली। तो जिस्मानी सेहत को अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क ने हमें जो हवा दी, हुक्मरानों की बात ना करो, हुक्मरान तो सब चीज़ें बेचारे छीनने में ही लगे रहते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इतने अजीब अजीब हुक्मरान आए फिर भी हमारे मुल्क का दिवालिया नहीं हुआ। देखो किसी का बाप विरासत में बहुत कुछ छोड़ के चला गया हो और एक बेटा सारी विरासत खा जाए फिर भी अकाउंट में पैसा पड़ा हो, लोग कहते हैं बाप ने इतना छोड़ा है कि अगर किसी ने सब कुछ खा लिया तो भी बहुत बच रहा है औलाद के लिए, तो ये किसका एहसान होता है? बाप का एहसान। वो छोड़कर इतना गया था कि अगर डाकू इसके माल को लूट ले, डाकू चोरी कर ले, फिर भी बहुत बचता है। तो हमारे मुल्क को पता नहीं कब से कौन कौन लूटता आ रहा है। साबिक सदर ने तो कोशिश की थी पूरा थैला उलट के झाड़ के सब कुछ ले जाएं, जब थैले को सीधा किया गया फिर भी उसमें बहुत कुछ हमें पड़ा हुआ मिला। तो ये किसका कमाल है भाई, ये नेमत हमें अल्लाह ने दी है, किसके जरिए दी है? ये हमारे मुल्क के जरिए दी है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? मुल्क की मिट्टी में इतनी ताकत है, वो सोना उगलती है, और वो उसकी हवा ऐसी है। हमारे मुल्क में चारों मौसम आते हैं, भरपूर भरपूर तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो डीप फ्रीजर बने हुए हैं सारे। कनाडा में आप जाएं, मेरे पास तो फोन आते हैं लोगों के कनाडा से, मौसम कैसा है, कह रहे हैं बहुत सर्दी है। मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा होगी, जैकेट पहन के निकल रहे होंगे, मोजे और शूज पहने हुए होंगे, कितनी है भाई? कह रहे हैं खिड़की से अगर हाथ बाहर निकालें तो हाथ काटना पड़ेगा, जम जाता है। मैंने कहा हमारे घर में डीप फ्रीजर है, उसमें आके बैठ जाओ, कनाडा में जाने की क्या जरूरत है भाई? है भाई बताओ, इससे कम टेम्परेचर डीप फ्रीजर का होता है, ये कोई मुल्क है? है भाई ये कोई मुल्क है? किसी मुल्क की बुराई मकसूद नहीं है, लेकिन तकाबुल तो करना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं वो इतने अच्छे, वो कहाँ खाक अच्छे, डीप फ्रीजर में किसी की सेहत बनेगी? हर वक्त ठिठरा रहेगा, हीटर लगा लगा के तो चल रहे हो। तुम्हारे मुल्क ने तो तुम्हें टेम्परेचर भी नहीं दिया। हम तो बगैर एयर कंडीशन के पूरा साल गुजार देते हैं और बगैर किसी हीटर के पूरा साल गुजार देते हैं। मौसम भी मोतदिल, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बहार का मौसम भी आता है, खिजां का मौसम भी आता है,
बारिशें होती हैं तो खानदानी बारिश है। अभी पेशावर में 13 घंटे बारिश हुई है, बारिश से भी तो जमीन आबाद होती है, बारिशें भी आती हैं, सारे मजे हमारे मुल्क में अल्लाह ने हमें दिए, मौसम भरपूर। और जोग्राफियाई लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज किसे कहते हैं, देखो आपके घर की लोकेशन क्या है, आप बहुत अच्छे हैं, घर बहुत बड़ा है आपका, मगर नाले के साथ है, गंदा नाला उसके साथ, क्या फायदा ऐसे बंगले का, हर वक्त गंदे नाले की बदबू आएगी कि नहीं आएगी, मच्छर भी आएंगे, गटर लाइनें भी आएंगी। तो किसी जगह की जो लोकेशन है ना कि वो है कहाँ, इसकी बड़ी अहमियत होती है। पाकिस्तान को अल्लाह ने लोकेशन ऐसी दी है, ऐसी जगह पे बनाया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तिजारतें पाकिस्तान पर मौकूफ हैं। सिर्फ कराची इतना कमा के देता है ना पाकिस्तान, क्यों, जिस शिप ने गुजरना होता है कराची को टच करता हुआ जाता है, तभी तो कराची को तोड़ने की बातें होती हैं। जो मुल्क दुश्मन अनासर है वो कहते हैं कराची को अलग सूबा बनाया जाए, क्या मतलब, पहले सूबा अलग बनेगा फिर अलग कंट्री बन जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ना, ताकि ये पाकिस्तान से हटे और फिर हम अपने कब्जे में लेकर आए, सोने का निवाला। पंजाब की जमीन की अलग हैसियत है, बलूचिस्तान को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि अगर बलूचिस्तान को खोदना शुरू कर दें तो सिर्फ एक बलूचिस्तान ही आपको सऊदी अरब के मुकाबले में बराबर लाके खड़ा कर देगा, सिर्फ एक बलूचिस्तान, आप बाकी कुछ भी ना हो पाकिस्तान, इतना तेल है उसके अंदर, सोने की काने दबी हुई हैं और कोयला इतना है कि मैंने खुद एक माहिर मईशत ने बताया मुझे कि 200 साल फ्री बिजली मिल सकती है पाकिस्तान अगर वो कोयले की काने खुद उनकी खुदाई शुरू हो जाए। तो भाई जब अल्लाह ने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया और कौम भी हमारी बहुत अच्छी है सलाहियत के लिहाज से, वो अलग बात है कि हमारी तरबियत ऐसे हाथों से होती है कि वो सलाहियतें हमारी गलत इस्तेमाल हो, वो कैसे गलत इस्तेमाल होती हैं ये भी आपको छोटा सा सुना दो, सलाहियतें बहुत हैं। कहते हैं कि जापान वालों ने एक सुई, नहीं अमरीका ने एक सुई बनाई और कहा कि किसी में ताकत है तो इससे बारीक सुई बना के दिखाए, महारत है तो इससे भी ज्यादा बारीक सुई बनाए, सुई तो बहुत बारीक होती है उससे ज्यादा कौन बनाए। जापान ने इस चैलेंज को कबूल किया और बारीक सुई तो क्या, जापान ने उस सुई में सुराख करके दिखा दिया, जापान तो जापान है। पाकिस्तान ने चैलेंज कबूल किया, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि सलाहियत है मगर इस्तेमाल क्या हो रही है, 2 नंबरी में। पाकिस्तान ने चैलेंज कबूल किया और उस सुई पे मेड इन पाकिस्तान लिख के दिखा दिया, कितनी बारीक चीज जिस पे सुराख मुमकिन ना हो उस पे लिखना कितना मुश्किल होगा, मगर क्या लिख के दिखा दिया, मेड इन पाकिस्तान। तो सलाहियतें गलत इस्तेमाल हो रही हैं, गलत। उलमा की कोशिश ये होती है कि ये जो नई नस्ल है ना, इसको जो अल्लाह ने दिमाग, हम जो खुराकें खाते हैं ना, मैं जल्दी से बात मुकम्मल करूं, इसके जिस्मानी असरात भी अच्छे हैं और रूहानी, हम जिस्मानी तौर पर भी जिंदा हैं, रूहानी तौर पर भी जिंदा हैं। रूहानी जिंदगी किसे कहते हैं, कि आपके अखलाक अच्छे हों, कहने को तो उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं दूसरी कौमों के, लेकिन अगर हकीकी मानों में देखा जाए, मिन हैसुल कौम, हम उनसे तहजीब और अखलाक के लिहाज से अच्छे हैं। हमारे यहां वालदैन की खिदमत की जाती है, की जाती है कि नहीं की जाती, वो तो नहीं करते, वो तो ओल्ड हाउस में दाखिल कर देते हैं, अखलाकी लिहाज से हम अच्छे हुए, वो अच्छे हुए या हम अच्छे हुए, हम तो बूढ़े माँ बाप को रखते हैं। मैं अक्सर एक वाक्य सुनाता हूं, किसी ने कहा कि वहां उन मुल्कों में 60 साल से ऊपर जिस बुजुर्ग की उम्र हो जाए, हस्पताल में उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, और पाकिस्तान में हस्पतालों में बूढ़ों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। वो अपने मुल्क का मुवाजना कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, समझ में आ रहे हैं, बहुत आराम से ठहर के बता दो ताकि आपके दिमाग में उतर जाए। पाकिस्तान में यहां किसी हस्पताल में बूढ़े को दाखिल करें, वापसी का चांस मुश्किल ही है, जवान को दाखिल करें तो बूढ़ा होके आता है वो बेचारा, ऐसा माहौल होता है वहां, पान की पीकें, चादर ही नहीं है, तब्दील ही नहीं हो रही चादर, नर्स गायब है, आएगी तो ऐसी चुड़ैल सी नर्स आएगी, उसे देख के आदमी का वैसे ही जो है इन्ना लिल्ला पढ़ने को दिल करे, उसे बूढ़ों की खिदमत के लिए अजीब अजीब हिसाब किताब रखे।
यूरोप अमेरिका में आप जाएं, वहाँ अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी। नर्स आपसे बार बार आपके पूछेगी एक्सक्यूज मी क्या चाहिए आपको, और वगैरह वगैरह वगैरह, पैसे भी नहीं लेते आपसे। तो मुझे कहने लगे देखो यहाँ बूढ़ों का एहतराम वहाँ नहीं। मैंने कहा वजह बात ये कि ये जो नर्स हॉस्पिटल में इस बूढ़े की इतनी खिदमत कर रही है, इससे कहो कि अब घर में अपने बाप की भी करती है। है भाई, घर में अपने बूढ़े बाप की भी ऐसी खिदमत कर रही है? जवाब नहीं में हो। और यहां जो नर्स इस बूढ़े के साथ बदसुलूकी कर रही है हॉस्पिटल में, इससे पूछो घर में अपने बाप के साथ भी ऐसी बदसुलूकी करती हो? कहेगी नहीं, वो मेरे फादर हैं, उनको मैं इस हॉस्पिटल में लाई ही नहीं। सही है ना, उनके लिए मैंने अलग जगह दी। तो पहले तो अपने मां बाप हैं, बाकी बाद में। वो जो बूढ़े के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है हॉस्पिटल में, उस अच्छे सलूक की तनख्वाह मिल रही है इसको, पैसे मिल रहे हैं इसको। एयर होस्टेस जब मुस्कुरा के बात करती है जहाज के मुसाफिरों से, इस मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं। ये एयर होस्टेस क्या अपने घर में अपने शोहर के साथ अपने भाई के साथ भी इसी तरह हर वक्त मुस्कुराती है क्या? भाई बटन दबाया, बहन आई, जी क्या चाहिए? बहन एक गिलास पानी पिला दो, जी आप मेरे भाई हैं, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, आप बैठिए मैं आ रही हूं। कभी ऐसा हुआ? जा क्यों पिलाऊं पानी, तो मेरा क्या लगता है पैसे दे रहे क्या मुझे? तो अखलाक एक तो जाहिरी होते हैं, हकीकी अखलाक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ जो अस्पतालों में बूढ़ों से बुरा सलूक होता है कोई अच्छा काम होता है, बूढ़ों से अस्पतालों में भी अच्छा सलूक होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, इसकी निगरानी होनी चाहिए। लेकिन कंपेयर कर रहा हूं मैं तो रूहानी लिहाज से, हमारे यहाँ तलाक याफ्ता बहन को लोग घर पे रखते हैं, उसकी ख्याल, हमारे यहाँ तलाक देते भी नहीं इतने आराम से। डिवोर्स एक बहुत बुरा लफ्ज है हमारे मुआशरे में, मर्द बर्दाश्त करता है औरत को। तो रिलेशन है, रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, मस्जिदों में चंदा देते हैं लोग, मदारिस में खर्च करते हैं। ये सारे मदारिस ये कैसे चल रहे हैं? लाखों लाखों रुपए एक एक दिन का मदारिस का खर्चा है। क्या ये अमरीका भेजता है या हुकूमत देती है? ये सब यहीं की आवाम, तो आवाम में लोगों में खर्च करने का जज्बा है। ये हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, मुस्बत चीजें हैं। तो रूहानी लिहाज से भी जिंदगी और जिस्मानी लिहाज से भी जिंदगी। तो ये सारी चीजें, अब मैं बात को समेटता हूं, मैं एक दो मिनट और बात करूंगा कि अब देखो ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बयान मेरा नेट पे भी जाएगा और भी बहुत सारे लोग सुनेंगे, जितने ऊंचे तबके हैं ना, ऊंच ओहदे, वो सारे पहले बच्चे होते हैं, अच्छे हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर ऊंचे ओहदों पर फाइज होते हैं, फिर वो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। तो मुल्क को नुमाइंदगी करने वाले अगर अच्छे लोग लगें, अच्छे लोग मिलें, तो मुल्क की पूरी दुनिया में अच्छी पहचान हो जाती है। और नुमाइंदगी करने वाले अगर अच्छे ना हों, मुल्क अच्छा होने के बावजूद भी लोगों की नज़र में बुरा कहलाता है, क्योंकि उसकी उसकी नुमाइंदगी सही हाथों में नहीं है। इंट्रोडक्शन जो करवाने वाला है ना, उस मुल्क को जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, वो करप्ट आदमी है, तो लोग समझेंगे इनका मुल्क ही ऐसा होगा। तो ये बच्चे हमारे माशाल्लाह, चंद चीजों का आप लोग एहतमाम करें। नंबर एक, जो भी मुल्क तोड़ने की बात करेगा, अभी आपने जिंदगी गुजारनी है, अभी तो आपकी पूरी उम्र पड़ी है। जो ऊपर के तबके के लोग होते हैं, कोई आधी गुजार चुका है, कोई दो तिहाई गुजार चुका है, उसको अभी जिंदा रहने का टाइम थोड़ा मिलेगा, मुल्क की खिदमत का वक्त उसे कम मिलेगा। और जो बच्चे हैं ना, जो यहां बैठे हुए हैं, आपको खिदमत का वक्त ज्यादा मिलेगा। तो एक बात का आजम करें कि कोई भी ऐसी ताकत जो मुल्क तोड़ने की बात करे, आपने उस सियासी तंजीम को, या चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, अस्करी मतलब मुसल्ला तहरीक हो, आपने उस तंजीम का साथ कभी भी नहीं देना, चाहे वो कुरान हदीस के नाम पे मुल्क तोड़े या वो सियासत के नाम पे तोड़े, जुल्म के नाम कि हम हमारी कौम के साथ जुल्म हो रहा है, लिहाजा हम फला टुकड़ा अलग करना चाहते हैं, या हम कुरान और हदीस नाफिज करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, मुल्क को तोड़ देंगे। तो ये सब लेबल अच्छे होते हैं, उनवानात अच्छे होते हैं, लेकिन नतीजे इनके बहुत ही भयानक होते हैं। बांग्लादेश टूट के अलग हुआ, सेकुलर स्टेट बन चुका है, बिल्कुल सेकुलर रियासत बन चुका है। टूटने की बात जहां भी होगी, वहां मुल्क का भी नुकसान है, अवाम का भी नुकसान है। तो एक अजम करें हमेशा के लिए जितने यहां बैठे हैं, कि कभी ऐसी तंजीम का और ऐसी कुव्वतों का साथ नहीं देंगे जो मुल्क तोड़ने की बात करें, चाहे वो सियासत के उनवान से हो या दीन के उनवान से। और दूसरी बात क्या है कि
हमारे मुल्क की जो जो दुनिया में जो सबसे बड़ी बुराई समझी जाती है वो ज़ाहिर है मुल्क की नहीं है, वो तो एक कसूर है लोगों का कि वो नुमाइंदगी सही नहीं करते, वो क्या है? करप्शन। करप्शन पैसों के लेन देन में क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी चला जाए ना तो ताजर उससे तिजारत करते हुए डरता है, उसको ये है कि ये धोखा देगा मुझे। मैंने बताया ना सलाहियत है, सही इस्तेमाल हो जाए तो सही है, गलत इस्तेमाल हो जाए तो गलत। तो आप जब भी दुनिया में तिजारत करें या कहीं जॉब करते हैं आप, तो ईमानदारी जो हमारे मजहब ने हमारे दीन ने हमें सिखाया है उस ईमानदारी को लाजिम पकड़ें। गवर्नमेंट की जॉब में जाते हैं ईमानदार बन के दिखाएं आप, मैं रिश्वत नहीं लेता। बात आ रही है समझ में? मैं नहीं लेता। ओके, मैं तो लेता हूँ, आप ले लें, मैं नहीं लूँगा, मैं हलाल पे गुजारा करूँगा। इससे क्या होगा, जब ऐसा तबका हमारा ऊपर के तबके में जाएगा, और तालीम की कोशिश करें, ऊंचे तबकों में जाने की कोशिश करें। लोग तालीम के शोबों में आगे नहीं है, नौजवान तबका वो समझता है कि हमें दीन जो है ना तालीम से मना करता है। बास का अभी तक ये ख्याल है कि इस्लाम में इंग्लिश सीखना हराम है। भाई इंग्लिश अब एक बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, आप इंग्लिश सीखे बगैर तरक्की कर ही नहीं सकते, एक ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो दीनदार लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, ये भी एक अलमिया हकीकत, ये ऐब है, ये कोई कमाल नहीं है, एक ऐब है। तो हमें तो मौका नहीं मिला ना सीखने का, हम तो इल्म दीन में इतने मशगूल रहे हैं। आपकी तो अभी बच्चे हैं आप लोग, हमें तो समझ बहुत 18 साल में तो हमें ख्याल आया था इल्म दीन सीखने का, बड़े हो गए थे इतने, और उसके बाद भी बहुत दिमाग लगता है इंसान को सीखने में, कुछ समझने में। अब जो हम तजर्बे की और सीखी हुई बातें वो आपको बता रहे हैं। इंग्लिश को फिर मेहनत करें और उर्दू भी अच्छी करें अपनी, क्योंकि इंग्लिश सीखने से आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे अगर आपको उर्दू नहीं आती होगी। उर्दू से आपका उलमा से लिंक रहेगा, और इंग्लिश सीखने से आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखेंगे। ये दोनों ज़बानें ज़रूरी हैं, अरबी उलमा के लिए ज़रूरी है, अवाम के लिए अरबी ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अवाम के लिए इतनी अरबी जिससे कुरान उसकी समझ में आ जाए वो ज़रूरी है। अवाम के लिए अरबी इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई अरबी बोलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है अरबी सीखने का। दुनिया में भी अरब लोग अरबी बोलते हैं, वो आपके मोहताज नहीं है, वो आपसे कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये चंद बातें थी आपसे मैंने की, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों के लिए कुछ इंतज़ाम भी किया है, कुछ है भाई कुछ खाने पीने का, कोई रिफ्रेशमेंट? बच्चे तो बच्चे हैं ना, ये कहेंगे ये कैसा पाकिस्तान है जो हमें केला ही नहीं खिला रहा, ये कैसा पाकिस्तान है जिसने टॉफ़ी नहीं खिलाई हमें। इंतज़ाम है माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातों पर अमल करेंगे ना, नंबर याद है कितनी बातें की हैं मैंने? दो, एक करप्शन, करप्शन नहीं करनी है, दयानतदारी से जहाँ भी जिस शोबे में जाएं दयानतदारी से काम करना है, और एक उन तमाम सियासी क़ुव्वतें और अस्करी क़ुव्वतों की मुखालफत करनी है जो मुल्क तोड़ने की बातें करती हैं। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वहाँ नहीं है।